हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड इस वीडियो में RPF के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और PST के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स मेरे साथ वीडियो में बने रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट जॉब की जितनी न्यूज होती है सभी आपको मेरे चैनल पे जरूर मिलेगी। तो जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपके ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसमें फ्रेंड्स आपके 3 स्टेप्स दिए गए हैं। एंड फर्स्ट में आपका रिटन एग्जामिनेशन होना है, एंड सेकंड में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट, मतलब फ्रेंड्स फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसे बोलते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, एंड अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। देयर एग्जाम विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फ्रेंड जो आपका पेपर होना है, ये एग्जाम होना है इसका, आपका RPF का, वो आपका कंप्यूटर पे होना है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। एंड इसमें आपसे देयर विल बी 120 क्वेश्चन, इसमें आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 120 क्वेश्चन। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 35 क्वेश्चन ऑन जनरल इंटेलिजेंस, मतलब 35 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग से पूछे जाएंगे, एंड 35 क्वेश्चन अर्थमेटिक से पूछे जाएंगे, मतलब मैथ से, एंड 50 क्वेश्चन आपसे जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे। ठीक है, एंड इसके लिए आपको टाइम रहेगा 1.5 घंटे का, मतलब 90 मिनट्स का। ठीक है फ्रेंड्स, आप नीचे देख सकते हैं देर विल ऑल्सो भी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क्स से। आपको बता दूं इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, 1/3 मार्क्स की। अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते तो आपका 1 सही क्वेश्चन के मार्क्स आपसे ले लिए जाएंगे, मतलब आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, एंड नीचे चलते हैं फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, मतलब PET के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, जो मेल कैंडिडेट है उनकी 1600 मीटर रेस होनी है इसमें, जिसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकेंड। ठीक है, एंड जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको फ्रेंड्स 800 मीटर से जो रेस आपकी वो होनी है, एंड इसके लिए आपको टाइम मिलेगा फीमेल्स कैंडिडेट को 3 मिनट 40 सेकेंड का। ठीक है, और उसके लिए चांस मिलेगा, ओनली 1 चांस में आपको रेस क्लियर करनी है। अगर आप रह जाते हो तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड अब बात कर लेते हैं हाई जंप के बारे में। जो मेल कैंडिडेट है उनको जो हाई जंप होगा 4 फीट का होना है, एंड जो गर्ल्स हैं जो फीमेल कैंडिडेट है उनका 3 फीट का होना है। ठीक है, और उसके लिए आपको चांस मिलेगा, 2 चांस मिलेंगे। ठीक है, बॉयज को भी एंड गर्ल्स को भी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लॉन्ग जंप के बारे में। जो मेल कैंडिडेट है उनका जो लॉन्ग जंप है 14 फीट का होना है, एंड जो फीमेल कैंडिडेट है उनका 9 फीट का होना है, और उसके लिए आपको चांस 2 चांस दिए जाएंगे। ठीक है, 2 चांस, एंड बॉयज और गर्ल्स के लिए सेम चांस है। ठीक है, एंड फ्रेंड्स से बात कर लेते हैं इसके PST के बारे में। फ्रेंड्स जो इसमें जनरल और ओबीसी की हाइट रहेगी 165 सेंटीमीटर रहेगी, एंड जो चेस्ट रहेगी वो 80 से 85 सेंटीमीटर, मतलब 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में आपकी चेस्ट होनी चाहिए। 80 नॉर्मल होनी चाहिए, 85 आपका फुल आगे होनी चाहिए। ठीक है, जिसे एक्सपेंडेड बोलते हैं। एंड जो आपकी हाइट इसमें रहेगी 157 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। ठीक है, और फेमेल, ये 157 सेंटीमीटर फेमेल्स के लिए ओनली, और जो जनरल ओबीसी हैं जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 165 होनी चाहिए। ठीक है, एंड जो SC ST से कास्ट से बिलोंग करते हैं उनकी जो हाइट है फ्रेंड्स 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एंड उनकी चेस्ट 176.2 से लेके 81.2 तक उनकी चेस्ट होनी चाहिए, जो SC ST कैंडिडेट है। ठीक है, एंड जो हाइट जो फेमेल की दी गई इसमें SC ST कैंडिडेट की, एंड वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, एंड आप नीचे देख रहे हैं फ्रॉम गोरखा गोरखस मद्रास डोगरस से जो अदर कैंडिडेट्स बाय गवर्नमेंट। फ्रेंड्स मैं जो आपको बता दूं, जो पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं, मतलब जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं उनको जो हाइट इसमें दी गई है मेल्स कैंडिडेट की 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उनकी चेस्ट जो है 80 से 85 होनी चाहिए, मतलब 80 से 85 तक, और जो हाइट जो फीमेल कैंडिडेट की इसमें दी गई है जो पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं उनकी 155 होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स फिजिकल के बारे में एंड PAT के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, सब कुछ फ्रेंड्स आपका बिल्कुल वैसा के वैसा रहेगा। और फ्रेंड्स अगर आपको इससे रिलेटेड मुझसे कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, आपको मेरे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स और फ्रेंड गवर्नमेंट जॉब की जितनी न्यूज होती है सभी आपको मेरे चैनल पे जरूर मिलेगी। तो जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए। एंड थैंक यू सो मच।